Yes, good morning students. Now we will continue the chapter number 1, food. हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे फूड और हमने इसको आधा पढ़ लिया था. नाउ विल स्टार्ट द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस. डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑल्सो सर्व्स एज सोर्सेज ऑफ फूड. कि जो प्लांट हैं उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो भी खाने के सोर्स हैं. अब देखिए कैसे हम जब एक प्लांट देखते हैं तो उसमें रूट हमें दिखती है, स्टेम दिखती है, लीव्स दिखती हैं, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं. तो ये सब पार्ट्स जो हैं एक प्लांट के अंदर हमें नज़र आते हैं, जो विजुअल होते हैं नॉर्मली. तो वो पार्ट्स में कौन कौन से प्लांट के कौन कौन सी रूट खाई जाती हैं, कौन कौन से स्टेम खाई जाती हैं, वो हम देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. दैट रूट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी सिर्फ रूट खाई जाती हैं उनके एग्जांपल्स हैं जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश, टर्निप आर द रूट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट. गाजर है, मूली है, टर्निप, शलजम है, इन सब की हम रूट ही खाते हैं. स्टेम देखिए, स्टेम हम किसका खाते हैं, पोटैटो, अनियन, जिंजर, शुगर केन. दीज आर द प्लांट्स ऑफ दैट द स्टेम ऑफ द प्लांट दैट वी ईट. हम ऐसे प्लांट्स के सिर्फ स्टेम खाते हैं जैसे आलू है, जिंजर, अदरक है, प्याज है, गन्ना है, ये स्टेम हैं. पोटैटो आप देखते होंगे ज़मीन के अंदर उगता है तो आप उसको रूट समझते होंगे, बट दैट इज़ नॉट अ रूट, इट्स अ स्टेम पार्ट ऑफ द पोटैटो दैट वी ईट. ओके, नाउ लीव किसके हम यूज़ करते हैं खाने में, देखिए कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसके हम लीव्स यूज़ करते हैं. स्पिनच, पालक है, लेटस है, कैबेज है, कोरिएंडर है, धनिया है, पत्ता गोभी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हमने देखा होगा कि सिर्फ हम लीफी पार्ट ही उसका यूज़ करते हैं. अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि लीव के एग्जांपल्स बताइए प्लांट के जिसमें कि हम लीफ ही यूज़ करते हैं खाने में, तो आप स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, लेटस, कुछ भी आप एक एग्जांपल दे सकते हैं. फ्लावर, अब फ्लावर कौन सा खाते हैं हम, देखिए बनाना फ्लावर है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लावर. इट्स अ फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट, दैट वी कंज्यूम. बट अब देखिए कली हम किसकी खाते हैं, देखिए कली जो है वो हम किसकी खाते हैं, क्लव्स. आपने लौंग जो देखी होगी, लौंग जो हम गरम मसाले में जो लौंग होती है, क्लव्स होती हैं, वो क्लव्स जो हैं क्या हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो क्लव है वो है बड पार्ट, कली वाला पार्ट है जो कि हम क्लव का यूज़ करते हैं कंज्यूम करने में, जो कि एक फूड को बहुत अट्रैक्टिव टेस्ट देता है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है. एंड बोहिनिया जो है, कचनार जिसको आप बोलते हो, इट इज़ आल्सो अ बड पार्ट जो कि एडिबल है खाने को, बड पार्ट इसका एडिबल होता है कचनार का. इसी तरह से बीज हम किसका खाते हैं, देखिए बीज, सीड जिसको हम कहते हैं, किडनी बीन है, राजमा जिसका जिसको कहते हो आप, कॉर्न, मक्का जिसको आप कहते हो, वीट, गेहूँ, इट्स सच सच एग्जाम्पल्स ऑफ सीड दैट वी कंज्यूम. ओके, तो ये हैं आपके कि कौन कौन से पार्ट हैं जो आप खाते हो. सम प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत सारे एडिबल पार्ट्स होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीव्स ही खाई जाएँ, कुछ होते हैं कि जिनकी लीव्स भी खाई जाती हैं, बीज भी खाए जाते हैं. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कम्प्लीट होल प्लांट आप खा सकते हो, उसका रूट, स्टेम, उसका लीफी पार्ट, सब तरह के उसके पार्ट्स आप खा सकते हो. जैसे बोथ द फ्रूट एंड द फ्लावर ऑफ बनाना, बनाना है उसका हम फ्रूट भी खाते हैं, उसका फ्रूट पार्ट भी खाते हैं, और उसका फ्लावर पार्ट भी हम खाते हैं. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आगे मिलेंगे कि आप पूरा होल प्लांट उसका कंज्यूम करते हो, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आपके हैं. अब जैसे हैं, आपको इस तरह की एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आप फिल कर सकते हैं जस्ट फॉर फन, कि पम्पकिन का कौन सा पार्ट एडिबल है, गार्लिक का कौन सा पार्ट एडिबल है, सनफ्लावर का कौन सा पार्ट एडिबल है, इस तरह से आप ये फिल कर सकते हैं देख करके. और स्प्राउट्स क्या होते हैं, देखिए स्प्राउट्स क्या होते हैं, स्प्राउट्स वो होते हैं कि जर्मिनेटेड सीड, जब हम किसी सीड को, किसी बीज को जब हम थोड़ी सी देर के लिए उसको मॉइस्चर दे दें, तो या उसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पे वो नमी उसको
उसको मिल जाए, मॉइस्चर उसको मिल जाए, तो वो सीड स्प्राउट हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। उस जर्मिनेटेड सीड को ही स्प्राउट कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कई बार मम्मा घर में सलाद बनाती हैं, मूंग की दाल का है, कभी चने का है, तो वो स्प्राउट सैलड भी कई बार हम यूज़ करते हैं। बीन्स, चिकपी ज़्यादा यूज़ की जाती है, मटर हैं, ये सब स्प्राउट जो बहुत न्यूट्रिशियस होता है हमारे लिए, तो उसको स्प्राउट करके खाया जाता है। तो स्प्राउट बीन्स में जो है स्प्राउट करके खाया जाता है। इसके एग्जांपल है मूंग है, बीन्स हैं, चिकपी है, ये वेरी न्यूट्रिशियस, और इनको स्प्राउट करके खाया जाता है। तो स्प्राउट्स क्या है? जर्मिनेटेड सीड्स, द जर्मिनेटेड सीड्स विच आर इटन रॉ और कुक्ड। इनको हम पका के भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, दीज आर स्प्राउट्स। ओके, देखिए स्प्राउट्स की जो है इस तरह की एक एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे भी फिल इन द ब्लैंक अगर आप देखें तो क्या है, जर्मिनेटेड सीड्स आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर स्प्राउट्स। क्लब्स आर व्हाट ऑफ द प्लांट, क्या है प्लांट का क्या है, तो इट्स अ बड, देखिए बड बडी पार्ट है। प्रोटीन का रिच सॉस क्या है, हमने लास्ट पढ़ा है, नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो में देखा है, प्रोटीन का रिच सॉस जो है वो पल्सेस हैं, दालें हैं। टी एंड कॉफ़ी क्या है, टी एंड कॉफ़ी आर कॉल्ड बेवरेजेस एंड एड फ्लेवर टू आर फूड। हमारे फूड में फ्लेवर कौन डालता है, स्पाइसेस, स्पाइसेस हमारे फूड में जो है ऐड कर दें तो वो फ्लेवर डालती हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसे, अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स से हमें फूड मिल रहा है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स से हमें फूड मिलता है, वो देख लेते हैं। तो बात करते हैं एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड की, सोर्स फूड, फूड सोर्स के रूप में हम एनिमल को किस किस तरह से देखते हैं। वैरायटी ऑफ फूड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, दैट इज़ गोट, चिकन, फिश आर सम ऑफ सोर्सेज ऑफ मीट। गोट है, चिकन है, फिश है, इन सबका तो हम मीट खाते हैं, एंड मीट इज़ हाईएस्ट रिच इन प्रोटीन। हैन है, डक है, इनसे हमें एग मिलता है, एग से पोल्ट्री प्रोडक्ट, एग इज़ अ पोल्ट्री प्रोडक्ट, एंड दे आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स। काउ, गोट, बफेलो आर सोर्सेज ऑफ मिल्क, और हमें मिल्क इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। आप ना यहाँ से चले जाओ, जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। काउ, गोट, बफेलो एंड आर सोर्सेज ऑफ मिल्क, इनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से हमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, मोस्टली सारे मिनरल्स हमें एक मिल्क से मिल जाते हैं, इसलिए मिल्क इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीट फूड। मिल्क को हम कम्प्लीट फूड भी कहते हैं, एंड मिल्क इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट है। और वाई इट इज़ कॉल्ड कम्प्लीट फूड, आपसे पूछा जाए कि मिल्क इज़ सेट टू बी कम्प्लीट फूड, वाई, तो बिकॉज मिल्क हैज़ टोटल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब मिल्क में मौजूद होते हैं। मिल्क हैज़ मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंड आल्सो रिच इन कैल्शियम आल्सो, सो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट फूड। हमें इसके सारे न्यूट्रिशन एक ही चीज़ में हमें मिल जाते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट, हनी, हनी इज़ ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट दैट वी ईट। तो हनी जो है, इट इज़ मेड बाय हनी बीज एंड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, फूलों के नेक्टर से, फूलों के रस से जो है हनी बीज जो है हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं। और हनी में क्या है, हनी कंटेन्स शुगर, मिनरल एंड एंजाइम्स दैट आर वेरी यूजफुल फॉर्स, जो कि शुगर रखता है अपने अंदर, मिनरल रखता है, एंड मोस्ट ऑफ बेनिफिशियल एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो हनी बी इज़ ऑल्सो, हनी इज़ ऑल्सो अ एनिमल सोर्स। हनी बीज ट्रांसफॉर्म नेक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ रिगर्जिटेशन, एंड इट स्टोर इट प्राइमरी फूड सोर्स इन हनी बी इनसाइड अ बी हाइव्स। बी हाइव मीन्स जो है मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनमें कलेक्ट कर लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो सारा फलों का, फूलों का रस
लेकर के नेक्टर को इकट्ठा करके हनी बी में जमा करती हैं, और फिर वहाँ पे जो है एक उसके ऊपर उसको कलेक्ट करके उस पर लार्ज स्केल में काफ़ी मात्रा में जब वो कलेक्ट हो जाता है तो फिर वो इकट्ठा होकर के जो है एक हनी का रूप ले लेता है। वो शुगर ही शुगर होती है उसमें टोटली, तो वो जब हनी का रूप ले लेता है तो फिर वो खाने एडिबल होता है, उसको खा सकते हैं। और जो लार्ज स्केल में जो हनी बीज की रियरिंग की जाती है उसको हम एपिकल्चर कहते हैं। एपिकल्चर इज अ साइंस ब्रांच, एक ब्रांच होती है एपिकल्चर जिसमें कि रियरिंग की जाती है हनी बी की, मतलब कि हनी बीज को पाला जाता है, मधुमक्खियों का पालन होता है। तो एपिकल्चर इज अ ब्रांच वेयर द रियरिंग ऑफ हनी बीज अकर्स। और हनी के मेडिकल वैल्यूज भी हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ ट्रीट एज अ मेडिसिन। आप देखिए कई जगह जो है मेडिसिन के रूप में भी जो है मेडिकल वैल्यू भी है हनी की, कि मेडिसिन के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज क्योर डिजीज़ और एज जस्ट सिंपली इसको खाया जाता है ब्रेड और किसी पे भी यूज़ करके। अब हम देखते हैं कि व्हाट एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स जो हैं, हम जो देखें जानवरों का खाने की हैबिट को देखते हुए वो कितने टाइप के होते हैं, तो खाने की हैबिट को देखते हुए एनिमल्स चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो हर्बीवोर्स आर दोस दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाएं, वो सभी जानवर हर्बीवोर कहलाते हैं। जैसे कि काव है, डियर है, जिराफ है, दे आर हर्बीवोर्स एनिमल्स। ये कभी भी किसी जानवर का मीट नहीं खाएंगे, कभी किसी फ्लैश नहीं खाते हैं, ये ओनली हर्ब्स और प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि कार्नी मींस मीट को कंज्यूम करते हैं, मीट मीट मींस सिर्फ ओनली फ्लैश खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। तो वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं वो जानवर कार्निवोर्स कहलाते हैं। जैसे लॉयन है, टाइगर है, ईगल, स्नेक एंड स्पाइडर, ये सभी एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं। ये कभी भी कोई हर्ब नहीं खाएंगे। एनिमल लाइक जैकल एंड वल्चर दैट इज फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कभी जो डेड एनिमल्स जो होते हैं उनको खाना पसंद करते हैं। जब वो सड़ जाते हैं, जब वो सड़ के बिल्कुल बदबू मारने लगते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, तब उनको खाया जाता है। तो जो वो एनिमल जो कि सड़ी हुई चीज़ को, डेड एनिमल को खाएं, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ध्यान रखिएगा कि स्कैवेंजर्स कहलाते हैं वो एनिमल्स जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं ऑफ डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स का, मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाने वाले, जैसे कि जैकल है, वल्चर है, गिद्ध है, कौवा है, आपने क्रो देखा होगा, जैकल है, सियार जिसको आप बोलते हो, ये सब क्या है, ये डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इन कार्निवोर कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट ओमनीवोर। ओमनीवोर वो हैं जो फ्लैश खाना भी पसंद करते हैं एंड हर्ब खाना भी पसंद करते हैं, मीन्स ऑल ऑल सभी सब तरह की चीज़ें वो खाते हैं। वो हर्ब्स भी खाएंगे, वो फ्लैश भी खाएंगे, तो दोनों तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स होते हैं वो ओमनीवोर कहलाते हैं। जैसे कि बियर है, क्रो है, रकून है, ह्यूमन बीइंग, हमारी बात करें तो वी ह्यूमंस आर ऑल्सो कम्स इन ओमनीवोर कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ, डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं ऐसे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत बारीक छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, जो हमें जो है बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, हमें देखने में भी उनको अगर बहुत गौर से देखें तो जब पता चलेगा कि हाँ ये बैक्टीरियाज हैं, और सच बैक्टीरियाज, जो कि कुछ बैक्टीरियाज तो ऐसे होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखते भी नहीं, उनको देखने के लिए हमें बहुत हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये बट दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं डिकम्पोजर्स में, क्योंकि वो भी जो है डेड पार्ट्स खाते हैं, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स के पार्ट्स को खाते हैं वो। और इनको भी आप कह सकते हो कि अलॉन्ग विद स्कैवेंजर्स दे हेल्प टू कीप द क्लीन अर्थ। देखिए स्कैवेंजर्स की तरह ही होते हैं डिकम्पोजर्स, बट स्कैवेंजर्स में आते हैं ऐसे एनिमल जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, और डिकम्पोजर्स में वो आते हैं जो बहुत
छोटे बारीक होते हैं, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर्स में आएंगे। तो और ये इनसे एक हेल्प भी होती है कि ये हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती को, हमारी अर्थ को क्लीन करते हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। देखिए, बैक्टीरियाज एंड फंगस आर स्कैवेंजर्स, ट्रू ऑफ ऑल्स, या दैट्स ट्रू, ये स्कैवेंजर्स हैं बट दे आर जस्ट वेरी टाइनी इन साइज, बस यही डिफरेंस है। कर्ड इज अ डेरी प्रोडक्ट, येस इट इज़ अ डेरी प्रोडक्ट बिकॉज इट कर्ड वी गेट फ्रॉम द मिल्क, हमें कहाँ से मिलता है कर्ड, मिल्क से मिलता है, इट इज़ ऑल्सो अ डेरी प्रोडक्ट। रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर, येस ट्रू, एंड द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, नो इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। देखिए कि वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो ओमनीवोर कहलाते हैं, नहीं, ओमनीवोर तो सभी चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो देट आर नॉट एन ओमनीवोर, देट आर हर्बीवोर्स। तो ये आपका ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है, देख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अब हमें फूड का वेस्टेज कैसे अवॉइड करना चाहिए, हमें फूड बर्बाद नहीं करना चाहिए, और उसकी बर्बादी को कैसे रोका जाए, उस वेस्टेज को कैसे रोका जाए, देखिए कैसे। रिमेंबर, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीपल इन मैनी कंट्रीज़ आर फेसिंग फूड इज शॉर्टेज, कई कंट्रीज़ में तो पीपल जो है वो फूड शॉर्टेज से फाइट कर रहे हैं, बेचारे भूखे ही रहते हैं ना। वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड इन फॉलोइंग वेज, अब हम कैसे कैसे फूड वेस्टेज को रोक सकते हैं। देखिए, पहला है, डू नॉट लीव फूड अनएटन इन योर प्लेट, आप अपने खाने की जो प्लेट है उसमें इतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं, उसमें कुछ भी अनएटन फूड ना छोड़ें, झूठा खाना ना छोड़ें। तो सबसे पहले ये आदत अपने हैबिट में डालिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, फूड को स्टोर करना है तो प्रॉपरली कीजिए, ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारा खाना बना लिया और फिर उसके बाद हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं, फिर वो ख़राब हो रहा है, फिर उसको हम खाने लायक नहीं है, तो फिर उसको हम फेंक रहे हैं। तो इतना ही खाना स्टोर करके रखिए जितना कि वो प्रॉपर तरीके से आपसे स्टोर हो सके, तो वरना उसमें क्या होगा, वो स्पॉइल हो जाएगा, इट विल बी स्पॉइल्ड। अच्छा, नेक्स्ट है, आप वी शुड नॉट ओनली ईट दैट मच फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ईटिंग इन एक्सेस विल मेक अस ऑब्स, और हमें इतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, हमें एक्सेस में फूड अगर हम लेते हैं तो वो हमारे लिए ओबेसिटी का कारण बनता है, ओबेस करता है, मतलब मोटापा हमें बढ़ाता है, और मोटापा, ओबेसिटी इज़ ऑल्सो अ डिजीज़, इट्स काइंड ऑफ अ डिजीज़, तो ओबेस करने से हमारा जो है शरीर बचे, इसलिए जो है उसलिए हमें खाना भी हमें इतना ही खाना चाहिए जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। तो नाउ इट्स चैप्टर इज़ फिनिश्ड, इट्स कम्प्लीट, नाउ आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेज दैट आर सॉल्व बाय मी, मैं इसकी जो है फोटो कैप्चर करके आई विल सेंड इट टू यू, एंड यू डू इट इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक, एंड जस्ट लर्न दिस चैप्टर आफ्टर डूइंग द रिटर्न वर्क इन योर नोटबुक, इन योर फेयर नोटबुक, एंड मैं आपको अभी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके और आपको फोटो क्लिक करके आपको भेज देती हूँ, और आप इसको सॉल्व कीजिए, लर्न कीजिए। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर, ओके।